बीआरडी मेडिकल कॉलेज की आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 2 महीने की मानदेय तथा समायोजित करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में आउटसोर्सिंग कर्मचारी अमृता याकूब ने बताया कि कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझते समय सरकार द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स, मेल स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, डाटा ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक लैब टेक्नीशियन की भर्ती की गई थी, लेकिन सितंबर में ज्वाइनिंग होने के बाद जनवरी में हम लोगों को पता चला कि 28 फरवरी को हम लोगों को निकाल दिया जाएगा और यह केवल 6 महीने की ज्वाइनिंग थी। हम लोगों को ना तो लेटर दिया गया और ना ही वेतन दिया गया। यह हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इस अवसर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी नेहा पांडे, विनीता राय, दीपक प्रतिभा, पूजा सिंह, राज कपूर चौधरी, कुमारी प्रियंका सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी अमृता याकूब ने कहा, अमृता याकूब, ये हम लोगों को बीआरडी में ज्वाइनिंग कराई गई थी, जो स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, एक्सरे टेक्नीशियन कई पोस्ट पे अगस्त में 2020 में, और उसमें हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि ये 6 महीने की जॉब है। अचानक से अभी फरवरी में हम लोगों से बोल दिया गया कि आप लोगों को 28 फरवरी के बाद यहाँ से सेवायुक्त किया जा रहा है, अब यहाँ पे आपका ज़रूरत नहीं है, जो कि इस चीज़ की जानकारी हम लोगों को पहले दी ही नहीं गई थी, कभी भी ज्वाइनिंग के समय भी नहीं दिया गया था कि ये हम लोगों की सिर्फ 6 महीने की जॉब होगी। हम लोगों को सैलरी भी नहीं दी गई थी इसमें, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद इन लोगों ने 4 महीने की सैलरी दी, अभी भी 2 महीने की सैलरी इन लोगों ने रोक रखी है, और अब हम लोग फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं ग्रुप में तो कोई जवाब हम लोगों को नहीं दिया जाता है। इसी कारण से हम लोगों को आज मजिस्ट्रेट साहब के और DM साहब के पास आना पड़ा। क्या बोल रहे हैं? अभी मिलने की बात हुई है, अभी एप्लीकेशन अंदर गया है, बोला है उन्होंने कि अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। आप लोग की ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई? जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई थी, और ये भी कहा गया था कि मिनिमम ये 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया? जी हाँ, संस्था वालों से भी बात हुई है, उन लोगों ने यही कहा कि हम लोगों को भी नहीं पता था कि 6 महीने की है। उनका सीधे ये कहना है कि हम भी नहीं जानते थे कि 6 महीने की है। प्रिंसिपल साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? यही कि हमारी जो बाकी की सैलरी है वो रिलीज कराई जाए और जो हमारा है समायोजित किया जाए हमको फिर से।